शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता सुषमा अंधारे ने भी स्टेज से लगाए मां भवानी शक्ति दे मलंगगड़ाला मुक्ति दे के नारे। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में या फिर हिंदी भाषी प्रदेशों में आज से लगभग 5 साल पहले जो लड़ाई शुरू की गई थी 80 बनाम 20, तो ये 80 बनाम 20 की लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं कही जा रही है, ना ही सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा की जा रही है। राजनीति में वोटों का जो महत्व है, तो उन वोटों के महत्व को देखते हुए अब मुस्लिम और उनके धार्मिक स्थल सभी पार्टियों के निशाने पर है। कोई पर्दे के आड़ बोल रहा है, कोई ढकी छुपी जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई खुलेआम बोल रहा है। खुलेआम बोलने वालों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम के नेता है। मगर अपना हिंदुत्व उनसे अलग है ये बताते हुए भी मुस्लिम धार्मिक स्थलों को हर सियासी पार्टी और उसके नेता किस तरह से निशाने पर रखते हैं, तो आइए आपको उदाहरण बताते। 28 फरवरी बुधवार को कल्याण पूर्व में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की एक सभा हुई और इस सभा में मौजूद थी शिवसेना की महिला नेता सुषमा अंधारे, जो कि पहले किसी दलित पार्टी से वो जुड़ी हुई थी और दलित महिला नेता नाम से ही वो मशहूर है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का उन पर आरोप भी है, मगर अब वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में प्रवेश कर चुकी है लगभग साल सवा साल पहले, तो अब उनकी भाषा भी बदल गई है। और सभी सियासी पार्टियां मुसलमानों के लिए कितनी मददगार है, मुसलमान उनके लिए कितना अहमियत रखता है, तो ये समझने के लिए इस पूरे राजनीतिक ताने बाने को आपको समझना होगा कि भारत में आप राज्य स्तरीय यानी प्रादेशिक पक्ष जिसे कहा जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी या फिर राष्ट्रीय पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस है, तो इनमें से कौन आपकी हितैषी है। तो जहां तक अगर मुस्लिम समाज इसका आकलन करेगा, इसका विश्लेषण करेगा, तो कोई भी पार्टी आपकी हितैषी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये कल्याण का प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं, यहां पर दो युवकों पर पुलिस ने कुछ नोटिस वगैरह देने की कार्रवाई की थी नारों पर। वो नारे थे मां भवानी शक्ति दे मलंगगड़ाला मुक्ति दे गद्दारा ना मुठ माती दे, तो इसी नारों पर उन दो युवकों को, दो कार्यकर्ताओं को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्हें पुलिस ने नोटिस दी थी। मगर इसका पुनरुच्चार किया है स्टेज से सुषमा अंधारे ने, और किस अंदाज में किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर से समझिए कि आपके धार्मिक स्थल इनको निशाना बनाते हुए हर पार्टी को जो है अपना वोट बैंक बनाना है, आपके समस्याओं से, आपकी परेशानियों से, आपकी प्रगति से और आपकी उन्नति से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आमच्या दोन पोरांचा इथं आता सत्कार झाला, त्या दोन पोरांवर नोटिसा पाठवल्या, केसेस टाकायचा प्रयत्न केला, काय म्हणाली पोर, पोलिसांना राग आला म्हणे, म्हणजे पोलिसांना राग आला म्हणजे पोलिसांना सांगितलं कुणीतरी की आम्हाला राग आलाय बाबा, काय म्हणली ती लेकर, अरे मलंगगडवर जत्रा होती, ते म्हणाले मा भवानी शक्ती दे, मा भवानी शक्ती दे मलंगगडाला मुक्ती दे गद्दारांना मुठ माती दे, काय म्हणाले ते, ते म्हणाले मा भवानी शक्ती दे मलंगगडाला मुक्ती दे गद्दारांना मुठ माती दे, मुठ माती। राग का येतोय, कुणाला येतोय, खुद राजले तर राग येणार नाही, लेकी बोले सुने लागे, आम्ही गद्दारांना मुठ माती म्हणल्यावर राग कुणाला येतो, गद्दार असणाऱ्यांनाच येत असेल ना, गद्दार नसेल तर त्याला राग येणार नाही, गद्दार आहे म्हणून राग येतोय, गद्दारी केली असं मनापासून वाटतंय म्हणून राग येतोय, स्वतःच काली स्वतःला सांगतोय की अरे तू गद्दार आहेस, तू गद्दार आहेस, तू गद्दार आहेस, कालीच सांगतो त्यांना त्यांना। अजून एकदा म्हणू भैया, या दोघं जणवर, या दोघं जणवर केसेस दाखल करता, दहशत माजवता, भीती दाखवता, विनाकारण भीती दाखवता। सुषमा अंधारे नावाची बहीण प्रत्येक शिवसैनिकाच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे आणि माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकावर होणारा प्रत्येक वार झेलायला मी समर्थ आहे ताकदीने, कारण मी लाख वेळा सांगितलंय की मागे पुढे बघायला काही नाही माझ्याकडे, एक 6 वर्षाचं लेकरू आहे ते दान केलं शिवसेनेला, हे सगळे शिवसैनिक मामा बघून घेतील, एकत्र म्हणूया दादा,
माँ भवानी शक्ति दे, माँ भवानी शक्ति दे, मलंगड़ाला मुक्ति दे, मलंगड़ाला मुक्ति दे, गद्दारांना मूठ माती दे, गद्दारांना मूठ माती दे। आता जरा ताकदीन म्हणून, आता सगळेजण मिळून म्हणूया, चला एकदा म्हणूया ताकदीन, माँ भवानी शक्ति दे, मलंगड़ाला मुक्ति दे, गद्दारांना मूठ माती दे। काय केस करायची ती करा, काय केस करायची ती करा। अरे हमारे सब्र का इंतहार देख रहे हो, एक शराफत है कि हमें रोक लेती है, वरना हम भी कुछ कम नहीं है। तुम्ही भीती दाखवता, दहशत दाखवता, छोट्या छोट्या गोष्टीवरून केसेस दाखल करता, छोट्या छोट्या गोष्टींवरून गुन्हे दाखल करता। जर माझ्या शिवसैनिकाने कायदा मोडला असेल, कुठेही कायद्याचा अनादर केला असेल, चुकीचं वर्तन केलं असेल, एखाद्या लेकीवालींची छेड काढली असेल, कुणाचं पाकिट मारलं असेल, कुठला एखादा काही कायदा मोडला असेल, तर निश्चितपणे त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा, त्यात आम्ही पडणार नाही। पण जर माझ्या शिवसैनिकांना विनाकारण कुणी त्रास देत असेल, तर आम्ही सोडणार पण नाही, अजिबात नाही।